इन दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल लर्निंग टाइम में। आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश कॉरपोरेशन लिमिटेड में निकली आपकी वैकेंसी के बारे में। इसमें फ्रेंड आपकी असिस्टेंट अकाउंटेंट की वैकेंसी निकली है। इसके लिए आप किस तरीके से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, इसकी कंप्लीट जानकारी आपको इस वीडियो में कंप्लीट रूप से देखने को मिलेगी। फ्रेंड, इससे पहले मैं आप लोगों के लिए नोटिफिकेशन की कंप्लीट जानकारी दे चुका हूं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज हमारे चैनल के माध्यम से आप दे सकते हैं। इस वीडियो में बात करेंगे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के बारे में। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज गाइस जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको डेली ऑल इंडिया गवर्नमेंट जॉब कैरियर रिलेटेड जानकारी और अपडेट मिलती है। अगर आपको हमारा यह वीडियो या इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो प्लीज हमें आप ज्वाइन कर सकते हैं फेसबुक, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम पर, और आप हमें साथ में फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। और अभी तक हमने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड जानकारी डेली अपडेट के लिए सब्सक्राइब कर लें हमारे चैनल को। अगर आप क्वेरी है तो हमें पूछ सकते हैं सोशल मीडिया पर, ठीक है, मैं आप लोगों को जल्दी ही आंसर दे दूंगा। ठीक, अब बात करते हैं हमारी जो वैकेंसी निकली उसके बारे में। तो फ्रेंड, आपको देखिए मैं नोटिफिकेशन दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं पद कोड 21 है, सहायक लेखाकार असिस्टेंट अकाउंटेंट की। यहाँ पे आप देख सकते हैं यूआर कैटेगरी 109, आर्थिक रूप से कमजोर के लिए इकोनॉमिक सेक्टर में 24, आपका आपका ओबीसी में 56, 48 अनुसूचित जनजाति में, ठीक है, और 3 है, सॉरी अनुसूचित जनजाति में आपकी जाति में 48 और 3 है आपके अनुसूचित जनजाति में। यहाँ पे आप देख सकते हैं आपका यहाँ पे किसी मान्यता प्राप्त डीम विश्व आपका यात्रा केंद्र सरकार से अपने वाणिज्य में स्नातक किया हो। यहाँ पे वेतन देख सकते 29,800 से लेकर 94,000 रहेगा, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं आवेदन करने वाले आप यात्री का आधार कार्ड या उसके अलावा आपका फोटो आपका युक्त पहचान पत्र होना जरूरी है, ठीक है। तो यहाँ पे आप डिटेल दे सकते हैं, एलिजिबिलिटी के बारे में दे सकते हैं, आप कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, बाकी मैं आप लोगों को डिटेल बता ही चुका हूँ, वो आप हमारे चैनल पर दे सकते हैं। बात करते हैं रजिस्ट्रेशन के बारे में। सबसे पहले देखिए यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पे आपको देखिए लास्ट समय से पहले आपको यहाँ पर जल्दी अपना ये फॉर्म को फिल कर लेना है। यहाँ पे आपको प्रिंट आउट आपको जो एप्लीकेशन फॉर्म है जिसमें आपका आपका जो पेमेंट स्लिप है और फ्यूचर रेफरेंस के लिए आपका अपने सेव रखनी है, ठीक है, आपको हार्ड कॉपी नहीं सेंड करनी है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो प्रिंट आउट निकाल लेना और पेमेंट स्लिप दोनों अपने पास सुरक्षित रखेंगे। 18/10 से लेकर 28/10 तक आप आवेदन कर सकते हैं, 10 दिन का समय है सिर्फ, जल्दी से आवेदन कर लीजिएगा। यहाँ पे आप नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे आपको देखिए एक बार सबमिट करने के बाद यहाँ पे आप एडिट नहीं कर पाएंगे, तो एडिट करने से पहले अभी सारी इन्फॉर्मेशन को आपको पता होना चाहिए, ठीक है। एक बार फीस सबमिट होने पर आपको रिफंड नहीं मिलेगा। यहाँ पे आप दे सकते हैं आपका फोटोग्राफ 3 महीने से पुराना नहीं होना चाहिए, 100 KB का साइज होना चाहिए सिग्नेचर का, यहाँ पे 30 KB का साइज दे रखा है। यहाँ पे आई एग्री पे क्लिक करेंगे, स्टार्ट पे यहाँ पे आप क्लिक करना है, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पे आपको देखिए ईमेल आईडी आपको दे रखी है हेल्प की, ठीक है, क्वेरी के लिए, और फोन नंबर यहाँ पे दे 10 से 5 बजे तक आप संपर्क कर सकते हैं। आई एग्री पे क्लिक करेंगे, स्टार्ट पे यहाँ पे आप क्लिक करेंगे और यहाँ पे इस तरीके से आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। थोड़ी देर हम वेट करेंगे तो यहाँ पे आपको देखिए इसको क्लोज करना है। यहाँ पे एप्लीकेशन भरने वाले का पूरा नाम, फादर का नाम या गार्जियन का नाम, अपनी माता का नाम, मोबाइल नंबर, कंफर्म मोबाइल नंबर, अल्टरनेटिव मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, कंफर्म ईमेल आईडी। तो ये आपको जो बेसिक स्टेप है यहाँ पे कंप्लीट करना है। कैप्चा फिल करेंगे, रजिस्टर पे यहाँ पे क्लिक कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे आपका अल्टरनेटिव मोबाइल नंबर नहीं है, आप छोड़ सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है, बाकी आपको डिटेल यहाँ पे देनी है, ठीक है। तो फ्रेंड, इसके बाद देखिए यहाँ पे आपको देखने मिलेगा आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है, क्लोज पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे आपको देखिए यहाँ पे क्लिक हियर टू एप्लीकेशन फॉर्म पे जाएंगे, यहाँ पे एप्लीकेशन नंबर देखने को मिल जाएगा, आपका नाम, एप्लीकेंट माता पिता का नाम देखने को मिल जाएगा, आपका फोन नंबर, ईमेल आईडी देखने को मिल जाएगी। यहाँ पे इस तरीके से मैंने क्लिक किया, यहाँ पे थोड़ी देर वेट करेंगे। इसके बाद यहाँ पे आपको क्लोज कर देना है। यहाँ पे आपको डिटेल आपको देखने को मिलेगी। यहाँ पे आपको देखिए जो आपका एडवर्टाइजमेंट नंबर है, पोस्ट है, वो देखने को मिलेगी असिस्टेंट अकाउंटेंट की है। यहाँ पे आपको डिटेल अपनी देखने को मिलेगी, अपना नाम, पिताजी का नाम, आपकी मदर का नाम, जो यहाँ पे डिटेल दी होगी। यहाँ पे आपको जेंडर बताना है, ठीक है, मेल फीमेल है जानकारी देंगे, डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे बतानी है, एज यहाँ पे 1/7/2021 के अनुसार यहाँ पे आपको अपनी जानकारी देनी है, शादीशुदा है, अनमेरिड है जानकारी यहाँ पे देंगे, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी यहाँ पे आपको नीचे देखने को मिलेगा, ठीक है। फिर इसके बाद ये कि यहाँ पे आपको कैंडिडेट के डोमिसाइल और कैटेगरी डिटेल यहाँ पे देनी है। यहाँ पे जिस स्टेट के हैं, उत्तर प्रदेश के हैं तो उत्तर प्रदेश की जानकारी देंगे, तो यहाँ पे आपको कैटेगरी देखने को मिलेगी, सिर्फ उत्तर प्रदेश के नागरिक को ही यहाँ पे आपको दे सकते हैं रिजर्वेशन का लाभ मिलेगा। तो यहाँ पे आपकी जो भी कैटेगरी यहाँ पे दे सकते हैं, ओबीसी है, एससी है, जो भी यहाँ पे आपको पूछा रहा है तो आप बता सकते हैं। कास्ट यहाँ पे आप बता सकते हैं, अनरिजर्व कैटेगरी है, जो भी यहाँ पे आप बता सकते हैं। अदर देखिए उत्तर प्रदेश के बाहर है तो सिर्फ अनरिजर्व कैटेगरी में यहाँ पे आपको काउंट किया जाएगा। यहाँ पे एड्रेस दे सकते हैं आपको जो है फर्स्ट 2 यहाँ पे देना है, सफेद वाला यहाँ पे आप एम्प्टी कर सकते हैं, बाकी आप जो यहाँ पे कलर है तो वो यहाँ पे फिल करना है। आपको अपनी
किस स्टेट के नागरिक है वो यहाँ देख सकते हैं। मैंने अपना उत्तर प्रदेश चुन लेता हूँ। यहाँ पे आपको डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे बताना है, जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट है, पिन कोड यहाँ पे आपको जानकारी देने, परमानेंट एड्रेस और आपका प्रेजेंट एड्रेस दोनों सेम है, इस पर क्लिक कर देंगे। अलग अलग है तो यहाँ पे आपको अलग अलग डिटेल देनी होगी पूरी, और उस एवे नेक्स्ट में यहाँ पे क्लिक कर देना है। तो इस तरीके से यहाँ पे अपना जो है अपनी जानकारी दे सकते हैं, अपने एड्रेस के बारे में यहाँ पे जानकारी दे सकते हैं फ्रेंड, ठीक है। अगर आपको किसी भी स्टेप में कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं बेझिझक। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी सब्सक्राइब कर लें। फेसबुक पे है, मैं ये वीडियो अपलोड करूंगा तो वहां पे भी आप मुझसे कोई भी क्वेरी पूछ सकते हैं, जल्दी मैं आप लोगों को जरूर आंसर दूंगा। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की यहाँ पे बात करेंगे तो यहाँ पे देखिए आपका हाई स्कूल यहाँ पे बताना है, आपने किस साल पास किया तो अपनी मार्कशीट से देख लीजिएगा। ग्रेड परसेंटेज क्या थे यहाँ पे आपको दिन में से एक जानकारी, जिसका आप ग्रेड थे तो ग्रेड या परसेंटेज परसेंटेज। ट्वेल्थ के बारे में बताएंगे, ईयर ऑफ पासिंग बताएंगे, ग्रेड या परसेंटेज यहाँ पे जानकारी। ग्रेजुएशन आपने किया है तो ग्रेजुएशन कॉमर्स में, डेट ऑफ पासिंग, नेम ऑफ इंस्टीट्यूट जहां से इंस्टीट्यूट से किया है, और ग्रेड परसेंटेज यहाँ पे देंगे। सेवन नेक्स्ट पे यहाँ पे क्लिक कर देंगे, ठीक है। तो सैंपल के रूप में दे सकते हैं, मैं यहाँ पे अपनी जो है हाई स्कूल लिखा है, मैंने टेंथ यहाँ पे लिख दिया है, 2010 में पास किया तो मैं 2010 में लिख देता हूँ। ग्रेड परसेंटेज यहाँ पे मैं बता दूँ 78 यहाँ पे बता दूँ। उसी तरीके ट्वेल्थ में मैं 12th यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है। इस तरीके से मैंने जो पास किया है, जिस सन में पास किया उसके बारे में यहाँ पे आप जानकारी दे दूंगा, ठीक है। 2012 में तो 2012 में भर देता हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे आपको ग्रेड परसेंटेज यहाँ पे देने हैं तो यहाँ पे मैं देता हूँ 77। इस तरह ग्रेजुएशन में यहाँ पे मैं बता दूंगा, यहाँ पे आपको देखिए ग्रेजुएशन की कंप्लीट डिटेल देनी है तो यहाँ पे आपको सन सेलेक्ट करनी है। इस तरीके से 2015 कर लेता हूँ, ठीक। तो 2015 में मैं जून में कर देता हूँ, 26 जून। यहाँ पे आपका नेम और इंस्टीट्यूट का यहाँ पे आपको नाम देना है, देखिए मैं देता हूँ भूत या जगदम्बा कॉलेज में यहाँ पे देखता हूँ कॉलेज यहाँ पे इस तरीके से देता हूँ आपको। यहाँ परसेंटेज थे मैं यहाँ पे बता 89%। तो इस तरीके से यहाँ पे जानकारी दे देता हूँ, ठीक है। तो आप अपनी जानकारी, अपनी जो मार्कशीट है उसमें चेक कर लीजिएगा, अपने कॉलेज का नाम, यहाँ पे अपनी जो ग्रेजुएशन सारी डिटेल यहाँ पे आपके एलिजिबिलिटी के अनुसार भरनी है। यहाँ पे आपको देखिए आपको दिखाई देगा 1180 रुपये फीस है। यहाँ पे अपना फोटो अपलोड करना 100 KB का होगा, सिग्नेचर यहाँ पे अपलोड करना है, यहाँ पे कैप्चा फिल करेंगे, यहाँ पे इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपको प्रीव्यू देखने मिलेगा, और प्रीव्यू एक बार चेक कर लें। प्रीव्यू में आपको लगता है अगर कोई गलती है उसको सुधार करें, अगर सब कुछ ठीक है उसके बाद आई एग्री पे क्लिक कर सबमिट पे यहाँ पे क्लिक कर दें, ठीक है। तो यहाँ पे आपको देखिए इस पर क्लिक करना है, यहाँ पे आपको ब्राउज पे करेंगे, यहाँ पे अपना फोटो अपलोड कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड। यहाँ पे ब्राउज करूंगा, ड्रैग एंड ड्रॉप एयर भी आप कर सकते हैं सिग्नेचर के लिए। यहाँ पे आपको देखिए साइज देखने को मिल जाए 30 KB, तो सिग्नेचर यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे। मैंने यहाँ पे क्लोज कर दिया है, यहाँ पे मेरा सबमिट हो चुका है। मैं इस तरीके से यहाँ पे डिक्लेरेशन पे क्लिक कर दूंगा, यहाँ पे मेरा कैप्चा फिल करूंगा आप लोगों के सामने, ठीक है। और यहाँ पे मैंने इस पर आई एग्री पे क्लिक कर दिया। प्रीव्यू एक बार चेक कर लें, सारी इन्फॉर्मेशन सही है, ठीक है। सब कुछ सही होने के बाद एक बार चेक करने के बाद आपको लगता है सारी इन्फॉर्मेशन सही है, उसके बाद यहाँ पे आप सबमिट पे क्लिक कर दें, ठीक है। मैं आप लोगों की जानकारी के लिए बता रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे आपको दे सकते हैं आई एग्री पे यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको दे सकते हैं जो आपका जो है आपके एप्लीकेशन नेम है, मोबाइल नंबर है, आपको ईमेल आईडी किया जाए, आई एग्री पे क्लिक कर दें, ठीक। इस तरीके से करने के बाद यहाँ पे देखिए आपको पेमेंट का आएगा। आप SBI नेट बैंकिंग से करना चाहते हैं या बैंक अदर बैंक से करना चाहते हैं या फिर आप चेक से करना चाहते हैं, यहाँ पे इस पर क्लिक कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरीके से यहाँ पे आपको आ रहा है, तो यहाँ पे आपको देखने मिलेगा मोबाइल नंबर यहाँ पे आपको देना है, यहाँ पे आपको डेट और DOB बतानी है। इस तरीके से यहाँ पे आपको कन्फर्म यहाँ पे क्लिक करेंगे तो इस तरीके से यहाँ पे आप कर सकते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड ये थी जानकारी उत्तर प्रदेश में कॉर्पोरेशन लिमिटेड में निकली आपकी वैकेंसी के बारे में, जिसमें आपकी असिस्टेंट अकाउंटेंट की वैकेंसी थी, जिसकी मैंने आपको कंप्लीट जानकारी दी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की। अगर आपको वीडियो या इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे चैनल से जुड़े हैं, सब्सक्राइब कर लें जल्दी से। ऐसी गवर्नमेंट जॉब की अभी तक आपको जानकारियां वो मिलती रहेंगी हमारे चैनल के माध्यम। वीडियो पसंद आए, इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो हमें फेसबुक को भी फॉलो कर लीजिएगा, शेयर करें अपने फ्रेंडों के साथ। डेली गवर्नमेंट जॉब के रिलेटेड जानकारी अपडेट के लिए हमारे चैनल बने रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।